नमस्कार दोस्तों, राजतंत्र YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये भारत का पहला ऐसा YouTube चैनल है जो भारतीय राजनीति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बायोग्राफीज आपके सामने पेश करता है। कहा जाता है कि अ लॉयर विथ अ ब्रीफ केस इज मोर पावरफुल देन अ मैन विथ अ गन। ये बात सच लगती है जब हम जिक्र करते हैं भारत के मशहूर वकील हरीश सालवे जी का। इंडिया टुडे मैगजीन की तरफ से हरीश सालवे जी को भारत के टॉप 50 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष की सुनवाई चल रही है, उसमें हरीश सालवे जी एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष रख रहे हैं। आज का वीडियो हरीश सालवे जी के बारे में सब कुछ बताने के लिए बनाया गया है। उनकी शुरुआत, संघर्ष, अचीवमेंट्स और उनको मिले हुए मान सम्मान, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको जानने मिलेगी वो है 5 ऐसी केसेस जो हरीश सालवे जी ने लड़ी हुई है जो सबसे पेचीदा और सबसे फेमस। 67 साल के हरीश सालवे जी का जन्म हुआ महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से नेचुरली उनका भी झुकाव चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के ऊपर था। सीए की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की भी पढ़ाई की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें यह पता नहीं था कि यही काला कोट उनका करियर बना देगा। इंटर्नशिप करने के लिए वो मुंबई आए और जेबी दादा चंदजी फर्म के अंदर इंटर्नशिप करने लगे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई नानी पालखीवाला जी से और उनकी दुनिया बदल गई। नानी पालखीवाला इंडियन जुडिशियरी के एक ऐसे लेजेंड है जिन्हें केशवानंद भारती जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जाना जाता है। उनके साथ काम करने के बाद हरीश सालवे जी ने तय किया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बजाय एज अ लॉयर अपना करियर बनाएंगे। नानी पालखीवाला जी के साथ काम करने के बाद हरीश सालवे शिफ्ट हुए मुंबई से दिल्ली। दिल्ली में उन्हें और एक दिग्गज शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला और वो शख्स थे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराब जी। आप जिनके साथ काम करते हो वैसे ही आप सोचने लगते हो और आप वैसे ही बन जाते हो। यही हुआ हरीश सालवे जी के साथ। जल्द ही वो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट बन गए। उन्होंने लड़ी हुई कई फेमस केसेस के अंदर सबसे पहले स्थान पर आती है वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस। Well, Finance Minister Pranab Mukherjee stuck to his stand in Parliament on Tuesday on the retrospective amendment to the Income Tax Act, offering no relief to Vodafone. Unrelenting on the issue, the Finance Minister said that India cannot be reduced to a tax haven. सन 2007 में वोडाफोन, जो कि एक ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने भारतीय टेलीकॉम मार्केट के अंदर एंटर करने का फैसला ले लिया। उन्होंने हचिसन एसआर कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक खरीदी कर लिया। ये डील भारत के बाहर हुई थी। सन 2007 के टैक्स लॉज के अनुसार इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही थी, लेकिन भारत सरकार ने इस डील के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वोडाफोन को करीब 11,218 करोड़ का टैक्स नोटिस और 7,900 करोड़ की पेनल्टी नोटिस भेज दी। वोडाफोन ने ये पैसे देने से इनकार कर दिए थे क्योंकि ये डील किसी भी टैक्स लॉ के अनुसार टैक्सेबल नहीं थी। इस केस में वोडाफोन के वकील थे हरीश सालवे। केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, जिसके अंदर कोर्ट का फैसला वोडाफोन के खिलाफ आया था। हरीश सालवे केस हार चुके थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि चूक कहां हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया और सिर्फ उस एक केस के लिए अपना ऑफिस लंदन शिफ्ट कर दिया, ताकि वो वहां पे वोडाफोन के ऑफिसर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताए और अच्छे से काम कर सके। एक केस के लिए पूरा ऑफिस शिफ्ट कर देना ही बताता है कि उनकी उनके काम के प्रति प्रतिबद्धता किस लेवल की है। केस सुप्रीम कोर्ट में चला और हरीश सालवे जी की मेहनत रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वोडाफोन के पक्ष में दिया गया था। तब की यूपीए सरकार को यह तमाचा बहुत बुरी तरह से लगा था, लेकिन वो हार मारने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद सन 2012 में केंद्र की यूपीए सरकार ने टैक्स लॉज में संशोधन करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को अलाउड कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो कि भूतकाल में बनी हुई डील्स के ऊपर भी लागू हो जाए। पूरे विश्व में इस तरह से कोई भी कानून कहीं पर भी नहीं बनाया जाता। इस निर्णय का बहुत बड़ा असर भारत में आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ा। हरीश सालवे की तरफ से इस कानून संशोधन की कड़ी निंदा की गई। From a socialist regime which used to retrospectively correct laws,
we went to an advanced ruling regime where before your transaction you could find out your tax implications. If final judgments of the Supreme Court are thrown away like this, what is the credibility of your advanced ruling? आखिरकार टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का प्रावधान हटाया गया। हरीश सालवे जी की ये सबसे बड़ी लीगल और मॉरल जीत थी। हरीश सालवे जी का करिश्मा फिर एक बार दिखा मुकेश अंबानी जी के लिए। सन 2002 में धीरूभाई अंबानी जी की मौत हो गई और उन्होंने कोई भी विल बनाया हुआ नहीं था। मुकेश और अनिल अंबानी जी की माँ कोकिला बेन और उनके फैमिली फ्रेंड के वी कामत, इन दोनों ने मिलकर दोनों भाइयों में सुलह करके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों में दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगे। झगड़े की सबसे बड़ी वजह थी कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन से निकलने वाला गैस। अग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL, अनिल अंबानी जी की जो कंपनी है RNRL, उसे अगले 17 साल तक गैस जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर सप्लाई करेगी। ये डिस्काउंटेड रेट तय किया गया था $2.34, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ रेट था $4.2। RIL की तरफ से RNRL को सस्ते दामों पर गैस देने से मना कर दिया गया, ये कहकर कि RIL तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है, गैस के असली मालिक तो भारत सरकार है। कोर्ट में केस फाइल हुआ। RIL मतलब मुकेश अंबानी जी की तरफ से वकील थे हरीश सालवे और अनिल अंबानी जी के RNRL की तरफ से उस वक्त के मशहूर वकील थे राम जेठमलानी। हरीश सालवे जी का ये कहना था कि RIL महज एक कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ रेट RIL की तरफ से चेंज नहीं किया जा सकता, डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। केस पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह हरीश सालवे जी को जीत मिली। फैसला मुकेश अंबानी जी के RIL के फेवर में दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीश सालवे जी ने इस केस में पर अपीयरेंस 30 लाख रुपया फीस चार्ज की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी जी ने हरीश सालवे जी के लीगल फीस के ऊपर करीब करीब 15 करोड़ रुपया खर्च किया था। We were told by Tata Sons, the main holding company of the very large Tata Group, that Cyrus Mistry is being replaced as the chairman of the holding company, that Ratan Tata is taking over as the interim chairman. Harish Salve, senior counsel, who appeared for Tata Sons, joined ET Now Live all the way from London. Here he is. It's never good to have a cloud like this hanging on India's one of largest corporate houses. टाटा ग्रुप भारत का ऐसा एक बिजनेस ग्रुप है जिन्हें लोग उनके एथिक्स और मोरालिटी के लिए जानते हैं। JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली रतन टाटा ने। टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स। इस होल्डिंग कंपनी में शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की 18.4% की हिस्सेदारी है। इसी शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप से आते हैं साइरस मिस्त्री। हरीश सालवे जी को रतन टाटा ने बुलाया था उनकी केस लड़ने के लिए साइरस मिस्त्री के खिलाफ। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि अब तक एक छोड़कर बाकी सारे टाटा सन्स के चेयरमैन टाटा के फैमिली से ही आते थे। रतन टाटा की रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाना था जो कि टाटा फैमिली से ना हो, और वो थे साइरस मिस्त्री। 2013 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया और उसी के बाद रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच अनबन शुरू हुई। साइरस मिस्त्री चाहते थे कि टाटा ग्रुप ऐसे सारे बिजनेस वेंचर्स में से बाहर पड़े जो लॉस मेकिंग हैं या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन के हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि टाटा स्टील जैसी कंपनियां जो कि बहुत ही कम प्रॉफिट कमाती हैं उन्हें बेच दिया जाए। साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा के कई बिजनेस डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाए, जैसे कि 1 लाख रुपए की टाटा नैनो, जगवार और लैंड रोवर को खरीदना और एयर एशिया के अंदर 51% स्टेक होल्डिंग, ये सारे डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाए गए। वो चाहते थे कि टाटा ग्रुप कम बिजनेस करे लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाए, लेकिन उनकी ये सोच रतन टाटा से और बाकी के बोर्ड मेंबर्स से नहीं मिलती थी। इसी टकराव के बीच में टाटा ग्रुप की कंपनियों के बारे में ऐसी जानकारी मीडिया में आने लगी जो कि कॉन्फिडेंशियल है, और इस जानकारी को लीक करने का इल्जाम लगाया गया साइरस मिस्त्री पर।
टकराव इतना बढ़ गया था कि टाटा सन्स के बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से हटा दिया। साइरस मिस्त्री ने बोर्ड के इस डिसीजन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के अंदर चैलेंज किया और वो केस जीत गए। फैसला उनके फेवर में आया था। रतन टाटा हार गए थे, पर ऐसे वक्त रतन टाटा को याद आई हरीश सालवे जी की, ऐसा शख्स जो उन्हें टाटा ग्रुप की विरासत को बचाने में भी मदद करे और जो उन्हें जीत दिलाए। हरीश सालवे जी ने कमान संभाली और NCLT के डिसीजन के खिलाफ अपील किया गया NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLAT ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि सारे रूल्स टाटा सन्स के बोर्ड की तरफ से फॉलो किए गए हैं और बोर्ड का चेयरमैन के ऊपर भरोसा ना रहने की वजह से चेयरमैन को चेयरमैनशिप से निकाला गया है। इस पूरी प्रोसेस में और इस डिसीजन के अंदर NCLAT को कहीं पे भी कोई भी इरेगुलरिटी नहीं मिली। NCLAT के अंदर फैसला रतन टाटा के फेवर में आ चुका था। साइरस मिस्त्री ने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां पर भी रतन टाटा के विघ्नहर्ता हरीश सालवे जी मजबूती से डटे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला रतन टाटा के फेवर में ही आया। शायद यही वजह है जिसकी वजह से भारत के कई टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हरीश सालवे जी को अपना लॉयर बनाना चाहते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज और उनका हार्डवर्क और साथ ही साथ बदलते माहौल में क्विकली स्ट्रैटेजी बदलने की उनकी काबिलियत ही उन्हें देश का सबसे बड़ा लॉयर बनाती है। भारत की पूर्व परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज जी भी उन्हीं में से एक थी जो हरीश सालवे के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखती थी। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सजाए मौत देने का ऐलान किया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने और भारतीय जासूस होने के आरोप में ये सजा सुनाई। जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव जी को गिरफ्तार किया गया और इलीगली उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, तब सुषमा स्वराज जी को भी याद आए हरीश सालवे। उन्हें यकीन था कि इस परिस्थिति में कुलभूषण जाधव को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरीश सालवे ही बचा सकते हैं। कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली हरीश सालवे को नियुक्त किया गया था। हरीश सालवे भारत के सबसे महंगे वकील है, फिर भी उन्होंने कुलभूषण जाधव केस के लिए फीस चार्ज की थी मात्र 1 रुपया। उन्होंने की हुई मजबूत दलीलों की वजह से पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगानी पड़ी और उन्हें काउंसलर एक्सेस भी देना पड़ा। ऐसे कई केसेस हरीश सालवे जी ने बिना पैसे लड़े, प्रो बोनो लड़े हैं। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस के अंदर भी उन्होंने राजेश तलवार और नुपुर तलवार का केस प्रो बोनो बेसिस पर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा था। हरीश सालवे जी नेचर के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए कई एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज ए एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया था ताकि वो कोर्ट की हेल्प कर सके। दोस्तों, हरीश सालवे जी किसी IIT या IIM से नहीं है, ना कि वो नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल से है। उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई नागपुर यूनिवर्सिटी जैसे सामान्य लॉ कॉलेज से पूर्ण की है। सामान्य कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन से एक सामान्य व्यक्ति असामान्य औहदा प्राप्त कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है हरीश सालवे। उन्होंने 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल का काम किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2015 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर नवाजा था। सन 2020 में हरीश सालवे जी को क्वींस काउंसिल का किताब दिया गया है। इतना बड़ा किताब हासिल करने वाले वो पहले भारतीय लॉयर है। तो ये कहानी थी हरीश सालवे जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना भूलिए नहीं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।